नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे एक बार और आपसे एक नई जानकारी के लिए, एक नए वीडियो में आपके साथ मैं उस पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूँ। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और प्रभु की कृपा सभी पे बनी रही होगी और होली के त्यौहार में सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया होगा और अच्छे से मनाया होगा। इसी आशा के साथ आज का जो वीडियो है, आज के विषय पे हम डिस्कस करने के लिए जिस विषय पे आए हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो आगे शुरू करने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। जैसा कि आपने इंट्रो देख के, आपको थंबनेल देख के आपको ये अंदाजा हो गया है कि वीडियो किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर आज चर्चा करने के लिए, क्या वो किसी हद तक किसी को फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी सब जानकारी के लिए आपको मैं देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आता रहता हूँ कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनको जब जरूरत होती है उस जरूरत पे उनको जो लीगल रेमेडी जो उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो जो जानकारी के अभाव में वो गलत फैसले ले लेते हैं। सही समय पर सही फैसला लेने के लिए वही एक उचित कारण होता है, वही एक उचित समय होता है। इसी आशा के साथ आज का वीडियो में मैं जो जानकारी देने वाला हूँ उसको पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा नहीं, क्योंकि कोई भी एक वीडियो वो एक विषय से दूसरे विषय में जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो उसको समझने में काफ़ी हद तक आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक मिलती रहे। और वीडियो को पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और साथ में ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा भाव से इसको आप शेयर करें। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे मेरे पहले के वीडियो में मैं जो बता चुका हूँ उसी उस विषय में जो कुछ जानकारी जो छूट गई है या जो कुछ जानकारियाँ रह गई हैं उसी के अभाव में जो चीज़ें जानकारी जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं उसी जानकारी को मैं आगे बढ़ाने के लिए एक उसी बिंदु को, क्योंकि समय का जो अंतराल रहता है वो काफ़ी कम रहता है और एक छोटे अंतराल में सारी चीज़ों को, सारी जो पॉइंट है, जो तथ्य हैं उनको सही तरीके से संकलित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। ऐसे तौर पे कोई महिला अगर जो कोई पत्नी है सबसे पहले अगर जो कोई डिस्प्यूट नहीं अराइज होता तब तो ठीक है, अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होने का कारण कोई भी हो सकता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड की गलती हो या वाइफ की गलती हो, मैं उस कारण पे डिस्कस नहीं करूंगा। और मैं ये चीज बताना चाहूंगा अगर जो किसी भी पक्ष में अगर जो कोई भी डिस्प्यूट अगर जो अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, अगर सॉल्व नहीं भी होता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर जो कोई हस्बैंड या वाइफ में दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो सामान्यता तौर पे जो कि आपको भी पता है और सभी लोग पता है कि दोनों में से अगर जो कोई भी अनबन हुई, हस्बैंड अपना घर छोड़ के नहीं जाता, वो तो अपने ही घर में रहता है क्योंकि उसको कहीं और जाने के औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जो पत्नी मानती है उसको सबसे पहले तो ये विश्वास नहीं हो पाता है कि जो ससुराल है वो उसका घर है। जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ससुराल भी उसका घर है तो उस स्थिति में वो भाग के फिर अपने मायके या अन्य किसी स्थान पे जहाँ पे उसका भी हित निहित होता है वहाँ पे वो चले जाती है। अगर जो उसको ये विश्वास हो जाए, ये अगर जो उसको कहीं से आभास हो जाए या उसको ये लगने लगे कि जो ससुराल का घर है वो उसी का घर है, क्योंकि हर किसी में जो झगड़े होते हैं रूठना और मनाना चलता रहता है लेकिन कोई कहीं से भी कोई घर छोड़ के नहीं जाता, अगर जो कोई घर छोड़ के जाता भी है तो उस स्थिति में क्यों क्या करना चाहता है, क्योंकि जिस घर से वो रह रहा है और जिस घर में वो रह रहा है उस घर को छोड़ के तभी जाता है, क्योंकि जब वो अपने घर को वो अपना घर नहीं मानता है। तो इसी तथ्य पे जब वो कोई भी पत्नी है, जाहिर से तौर पर हस्बैंड तो कहीं घर छोड़ के दूसरी जगह जाएगा नहीं, जाहिर से तौर पर ये जरूरी नहीं है कि उसको जिस घर में रह रहा है उसके अलावा अन्य कोई उसका घर नहीं है या अन्य कहीं वो जगह नहीं रह सकता, लेकिन वो जो हस्बैंड है वो अपने निवास स्थान को छोड़ के नहीं जाता है। पत्नी में अगर कोई अनबन होती तो वो अपने सबसे पहले जो घर छोड़ के जाती है अपने मायके चली जाती है या अन्य किसी स्थान पे जाए, लेकिन अब डिस्प्यूट अराइज होने के बाद सबसे पहले जो मैं पहले की वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 498A सेक्शन 12 और 125 इन सारी जो केसेस की जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कर देती है। अब इसमें हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए सारे तरीके के अलग अलग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाती हैं। अब मुख्य बिंदु पे मैं आता हूँ कि अगर जो सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, सब कुछ हो गई है, अभी जैसा कि अभी पुराना लॉ जो प्रिवेल कर रहा है उसके आधार पर अगर जो, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि कोई भी प्रार्थना पत्र दे दिए उसमें दर्ज होने के बाद वो जांच का विषय बनता है,
लेकिन अभी जो 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हो रहे हैं उनके अंतर्गत अब भी ऐसा नहीं होगा। पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा कि ऐसा सच एंड सच एलिगेशन जो वो लगा रही है उसका उसके पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस अवेलेबल है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ अगर जो वो फिर भी अगर जो सारे तथ्य सारे अवेलेबल करा देती है, सारे एविडेंस भी अवेलेबल करा देती है, तो उस स्थिति में अगर जो झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है, जाहिर से तौर पे जो एलिगेशन जो इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 125 सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस में और सेक्शन 498 ए जो स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है उसमें जो जनरल एलिगेशन लगाते हैं, उन एलिगेशन को मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस को फेर बदल करके अगर जो वो एविडेंस फाइल भी कर देती है किसी भी हस्बैंड के खिलाफ, अगर जो ऐसे सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, तो उस स्थिति में अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले से आपको ये पिटीशन मूव करनी चाहिए, अपने तथ्य अपने कारण जो भी आपके पास एविडेंस अवेलेबल हैं वो आपको उसमें एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। और उस एप्लीकेशन को मूव करने के उपरांत आप उसमें क्या क्या प्रोविजन लिखेंगे, क्या क्या आधार लिखेंगे जिसके आधार पे आप जो है अपनी पत्नी को उसमें जो झूठे चार्ज लगाए हैं, जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं, अगर जो झूठे मुकदमे साबित हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप उसमें ये पिटीशन मूव कर सकते हैं। जिसमें अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपको भी देख के जो ताजुब होगा वो आपको भी लगेगा कि ऐसा ही अब कानून जो बनना चाहिए था अभी तक नहीं बना, जो अब संशोधित होकर अब जो आपके सामने आया सेक्शन 246 में अगर जो ऐसा कोई फॉल्स चार्ज या झूठा मुकदमा कोई दर्ज होता है जिसमें जो सजा का जो प्रावधान किया गया है उसमें उसको 5 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इसके साथ में ये दोनों भी किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपको लगता है कि आपके पत्नी के खिलाफ और अगर जो आपके कोई उसके घर वालों के खिलाफ अगर जो उन्होंने कोई गलत मुकदमा कोई गलत अगर जो तथ्य के आधार पर आपके विरुद्ध अगर जो कोई मुकदमा फाइल किया है और वो झूठे मुकदमे के आधार पर वो फाइल किया हुआ है, तो उस स्थिति में आप उसमें दोबारा पत्नी के ऊपर SP6 में आप उसके अंतर्गत आप उसमें FIR दर्ज करा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के उपरांत भी आप उसमें उसके खिलाफ कार्यवाही अग्रसारित कर सकते हैं। और इन्हीं तथ्यों पे आधार पे एक चीज और है, अगर जो पत्नी कोई ऐसा एलिगेशन लगाती है जो कि झूठा मुकदमा हो सकता है, ये झूठा मुकदमे के आधार पे झूठे तथ्यों के आधार पे वो एलिगेशन लगाती है, वो अपराध लगाती है जिनकी सजा आजीवन कारावास या जिनकी मृत्युदंड है, इन दो अपराधों में अगर जिनकी सजा मृत्युदंड या उनकी आजीवन कारावास अगर जो दंडित किया जा सकते हैं, ऐसे अपराध का अगर जो आरोप लगाती है तो और वो झूठे आरोप के आधार पर अगर जो ऐसे मुकदमा का जो फाइल करती है, तो उस स्थिति में भी आपको ये ग्राउंड मिलता है कि उसमें आपके ग्राउंड के आधार पर उसमें जो सजा जो है बहुत ही बढ़ा दी गई हुई, जिसमें 10 साल या इसके ज्यादा के और इसके अतिरिक्त या माननीय न्यायालय अगर जो उचित समझती है तो उसको कारावास या अर्थदंड यानी कि दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो अब ये घबराने की जरूरत नहीं है अगर जो पत्नी ने कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके उपरांत भी हस्बैंड को है वो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसके उपरांत उसके बाद और इसके अतिरिक्त पत्नी के सामने उसको जी हजूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब वो मुकदमे वापस लेगी तभी उसको हस्बैंड को उन कोर्ट के जो कचहरी से उसको फुर्सत मिल पाएगी। ऐसा नहीं है अगर उसने कोई झूठा मुकदमा अगर जो फाइल कर दिया तो आपके पास भी हथियार है, आपके पास भी रेमेडी अवेलेबल है कि आप उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, उस पर भी उसी तरीके से आप उस पर दबाव बना सकते हैं जिस तरीके से वो आपके या आपके परिवारों के विरुद्ध अगर जो दबाव बनाने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि अभी तक जो ये देखा गया है कि जो सेक्शन 498 ए या 300 या 324 या 323 504 506 और इसके साथ में अब एक नए सेक्शन के जो ट्रेंड में आया है जो आमतौर पर जो देखने को मिलता है जो पत्नियां इम्पोज करती हैं हस्बैंड के खिलाफ, वो 377 है। वो एलिगेशन लगाती हैं कि मेरे पति ने जो सच एंड सच पर्सन है उन्होंने मेरे साथ अप्राकृतिक रूप से मेरे साथ संबंध बनाया। अब ये तथ्य ये फैक्ट प्रूफ कर पाना मुश्किल हो पाता है क्योंकि ये जो भी अपराध हैं वो एकांत में और निष्ठा के अधीन में कारित किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाता है कि जो पत्नी कह रही है वही सत्य है और उसी के आधार पर आगे की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाती है। लेकिन ऐसा करने की ऐसा जरूरत नहीं है, अगर जो इतना गंभीर अपराध अगर जो लगा रही है अगर जो उसमें वो प्रूफ नहीं कर पाती है अगर जो उसमें फाल्स होगा जो झूठा साबित हो सकता है, तो 3 अप टू 46 में आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसमें मुकदमा अपने वाइफ के ऊपर फाइल कर सकते हैं और उसके उपरांत फिर ये देखा जाएगा कि पति ने झूठा मुकदमा फाइल किया था कि ये सच्चा मुकदमा फाइल किया था। अगर झूठे तथ्यों के आधार पर अगर जो वो साबित हो जाता है कि पत्नी ने झूठे तथ्यों के आधार पर अगर जो मुकदमा हस्बैंड के खिलाफ अगर जो फाइल किया था तो उसको 246 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा।
जो जनरल धारा 498 में अभी तक जो दर्द हो जाती थी उसमें सबसे पहले जो मेन जो दबाव बनाने का जो कारण होता था, जो पत्नी हस्बैंड के ऊपर दबाव बनाती थी, वो सेक्शन 498A के अधीन में जो मुकदमा दर्ज होता था FIR, क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद जो पुलिस है वो हस्बैंड या उसके घर वालों के घर में आसपास चक्का लगाना शुरू कर देती थी, क्योंकि फिर वो उसको इन्फोर्स करने लगती थी। जो IO होता था, विवेचना अधिकारी होता था, वो हस्बैंड या उसके रिश्तेदारों को पुलिस थाने बुलाता है। पुलिस थाने बुला के फिर वो कहता है कि टेम्परेरी बेल ले लीजिए, अदरवाइज हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भय, ऐसा माहौल व्याप्त कर देते थे जिसको हस्बैंड या उसके रिश्तेदारों का मजबूरन में आके जो पत्नी कह रही होती या उसके द्वारा जो विवेचना अधिकारी उसके द्वारा जो कहलवाया जाता था, उसी के आधार पे हस्बैंड या उसके रिश्तेदार वो बातें मानने के लिए बाध्य होते थे। और इसके साथ में नए स्वरूप में, नए अवतार में 498A को जो पेश किया गया उसको संशोधित करके पेश कर दिया गया। 498 सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मामला आया है, लेकिन उसको 498 को सही तरीके से सही रूप में पूरा खत्म नहीं किया गया। लेकिन इतना है, उसको बदलाव करके नए गए परिवेश के अनुसार उसको सेक्शन 84 में उसको संशोधित करके उसको वर्णित किया गया है, जिसमें अभी तक जो हमारी भारतीय सरकार ने, जो हमारे लॉ कमीशन, उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए जो नया लॉ पास होके जो इन्फोर्समेंट के लिए 1 जुलाई 2024 से आने वाला है, उसमें ये उन्होंने विचार में रखा है, ध्यान में रखा है कि वो लॉ को जिनकी जरूरत हो ये उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया, क्योंकि ये देखा गया है कि प्रोटेक्शन मिलने से ज्यादा उन लोगों को ये हथियार बन गया था, उन लोगों के लिए मिसयूज करने का ये प्रोविजन बन गए थे, क्योंकि यूज तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उससे ज्यादा उसका मिसयूज होने लगा था। तो ये अनुचित रूप से उसका प्रयोग न होने पाए, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोसीडिंग आगे ना बढ़े, तो इसी के आधार पे जो नए लॉ को संशोधन करने की आवश्यकता हुई, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब इस समय अंतराल के बाद नए लॉ, नए प्रोसीडिंग और नए रेमेडी के साथ वो अवेलेबल हो जाएंगे। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर आपके सामने चर्चा करने के लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अंत में, अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है या ऐसी ही जानकारी आप अगर जो दूसरी बार आगे से जानना चाहते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, और ये जानकारी दूसरों लोगों तक दया भाव से सेवा करने के लिए आप उसको दूसरों लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको ये जानकारी मिल सके। क्योंकि ये जो हमारे जो तथ्य है, जिस कहीं ना कहीं रूप से हर व्यक्ति, हर जो वर्ग का है, वो हर व्यक्ति के साथ उसको डिस्कस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है हमारे भारतवर्ष में, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है, जो ये जानती है और ये सोचती है कि जो हमारी जानकारी, जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूसरों लोगों तक ना पहुंचे। तो ऐसी ही जानकारी अगर जो वो दूसरों लोगों तक आप पहुंचा देंगे, तो हो सकता है वो जो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, उसको जो रिस्पेक्ट उसकी सोसाइटी में बनी हुई है, वो नहीं चाहता कि उसकी ऐसी जानकारी किसी समाज में डिस्क्लोज हो। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है, ऐसी जानकारी आप दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे उसकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहे, और उसको जो जानकारी जो नहीं थी उसको जानकारी भी मिल जाए और उसका लाभ भी मिल जाए। और नए वीडियो तक आने के लिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।